एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जारी की थानेदारों की तबादला सूची। धौलपुर की प्रमुख खबर, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने डांग क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए थाना अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया है, जिसके अंतर्गत डांग क्षेत्र के गांव सोने का गुर्जा में नवनिर्मित थाने में यातायात प्रभारी यशपाल सिंह को थाना प्रभारी लगाया गया है। घोषित तबादला सूची के अनुसार निहालगंज थाने में आशुतोष को साइबर सेल का प्रभारी लगाया गया है, महेंद्र सिंह को निहालगंज थाने से बाड़ी, गंभीर सिंह को बाड़ी से निहालगंज, हेमराज को सदर थाने से कंचनपुर एवं कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा को सदर थाना धौलपुर लाया गया है। डीएसटी प्रभारी लाखन सिंह को थाना अधिकारी मनिया लगाया गया है एवं मंगतू राम को यातायात प्रभारी धौलपुर लगाया गया है। जल्द आरंभ होगा 6 लेन हाईवे का कार्य, सांसद डॉक्टर राजौरिया। धौलपुर की प्रमुख खबर, क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने दिनांक 16 अगस्त 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आगरा धौलपुर ग्वालियर 6 लेन हाईवे के संबंध में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। सांसद राजौरिया ने बताया कि बैठक में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने इस 6 लाइन के हाईवे के कार्य को जल्द से जल्द आरंभ करते हुए 6 माह में इसकी DPR तैयार करते हुए चंबल नदी पर नवीन पुल के निर्माण हेतु एनवायरमेंट क्लियरेंस भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क अवार्ड करवाने को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए। इसके साथ साथ पुराने मार्ग की उचित मेंटेनेंस करते हुए मचकुंड चौराहे पर ओवरब्रिज के निर्माण को इसमें सम्मिलित करने के निर्देश प्रदान किए। इससे धौलपुर जिले के वासियों को आगरा मुरैना और ग्वालियर हेतु एक पृथक मार्ग मिलेगा। इससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। नए राजस्व गांव की खेती की जमीनों के खातेदारों में भारी अदला बदली, सैंपो की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत तसीमों के राजस्व गांव नंदपुरा में से नवनिर्मित राजस्व गांव गोपालपुरा के ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर खातों में हुई गलती को सुधारने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि नया राजस्व गांव बनने पर खेतों की ऑनलाइन रिकॉर्ड खातेदारी जमाबंदी बनाने पर तकनीकी गलती के कारण सभी किसानों की खेती के खातेदारी एक दूसरे के नाम उलट पुलट हो गए हैं। इस गलती के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो उनका KCC कार्ड बन रहा है, ना ही अन्य प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने ग्रामीणों को उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया। कहाँ से आए हो? तस्वीर क्या समस्या है? मेरे पिताजी के खेत न मेरे नाम रहे, न मेरे पिताजी का नाम रहा और खेत किसी और के नाम हो गए। अब इसलिए मैं परेशान हूँ कि आप कलेक्टर साहब के पास मैं आया हूँ और मेरी सुनाई अवश्य करें और ये जनता जनता आई हुई है, इनकी सुनाई होनी चाहिए। 50-60 आदमी आए हैं, इनकी सुनाई होनी चाहिए। 80% और के नाम हो गए, शुद्धिकरण किया जाए। हमारे गांव ग्राम पंचायत तसीमों में 2 राजस्व ग्राम थे, करें तसीमों और नंदपुरा। नंदपुरा से नया इस साल नया बनाया है, वो बनाया गोपालपुरा। नंदपुरा से गोपालपुरा में जमाबंदी बनाते समय कम प्राइस गलती होने पे 80% खाते इधर से उधर हो, मेरा खाता किसी और के नाम और का खाता मेरे नाम, और स्थिति ये है कि ना तो कोई क्रेडिट कार्ड बनवा पा रहा है, ना ही कोई पिता का विरासत का जो है दाखिला खारिज करवा रहा है। जैसे मेरे पिताजी खत्म हुए नवंबर में, 40 बीघा जमीन है, मेरा दाखिला पड़ा हुआ है, दाखिला नहीं हुआ है विरासत का। विरासत दाखिला तब हो जब नाम सही हो, ऐसे ही और लोग हैं जो पहचान करना चाहते हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं। चारागाह भूमि को मुक्त करवाकर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ हो सख्त कार्यवाही, धौलपुर की प्रमुख खबर। चारागाह भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कराने को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। राजाखेड़ा तहसील की देहोली पंचायत के गांव पुरा पतिराम व शेखपुरा के पास दक्षिण पूर्व में चारागाह भूमि है, जिसमें गांव की मवेशी बारिश एवं सर्दियों में चरती है। उक्त भूमि पर पूरे गांव का समान रूप से अधिकार है। इस जमीन पर
पूरा पतिराम एवं शेखपुरा के भू माफियाओं ने अवैध कब्जे कर खेती कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों में भारी रोष और विवाद की स्थिति बनी हुई है। अगर इसको लेकर विवाद होता है तो गांव में जनहानि भी हो सकती है। ज्ञापन में कहा गया है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर चारागाह भूमि को मुक्त कराकर अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करें। धौलपुर से जयसिंह गुर्जर की रिपोर्ट। कंचनपुर पुलिस ने अवैध देशी शराब के साथ एक किया गिरफ्तार। कंचनपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार के निकटतम सुपरविजन में कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के 55 पौवे ले जाते हुए पवन पुत्र दाताराम कुशवा निवासी कच्छपुरा थाना कंचनपुर को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया। अवैध शराब के साथ मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी में थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ केदार सिंह हेड कांस्टेबल, वेदांत शर्मा, सतीश कुमार कांस्टेबल शामिल थे। नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं जिंदापुरा गांव के लोग। सर्वथरा की प्रमुख खबर। उपखंड के जिंदापुरा गांव में ग्रामीणों को कीचड़ युक्त फिसलन भरे रास्ते से होकर निकलना पड़ रहा है, जिसमें कई बार ग्रामीण महिलाएं एवं बच्चे गिरकर घायल भी होते देखे गए हैं। जिंदापुरा ग्रामीण निवासी गोपाल सिंह ठाकुर, सतवीर सिंह, अजब सिंह, बने सिंह जिंदापुरा आदि लोगों ने बताया कि हमने कई बार प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इस गंदगी के बारे में अवगत करा दिया है, लेकिन प्रशासन द्वारा आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों कीचड़ों से होकर निकलने को मजबूर हैं। गांव के मोहल्ले ठाकुर बस्ती, जाटा बस्ती आदि भीषण गंदगी के शिकार बने हुए हैं। आम रास्ते में भारी कीचड़ फिसलन का मुख्य कारण गांव में नाली नहीं होना है। प्रशासन से ग्रामीणों ने अनुरोध किया है कि गांव में नाली बनाकर पक्का खरंजा किया जाए। आंगई से वहीद खान की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूल सिंह, ठाकुर बस्ती में रहते हैं और बहुत कीचड़ हो रही है। हाँ? मच्छर माँ की बहुत गंदगी फैल रही है। हाँ? और बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं और बीमारी संख्या चल रही है बहुत, और भी बीमारी की संख्या है। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू। बोलो आपका नाम क्या है? शिव कुमार। हाँ आप कौन सी बस्ती से हैं? बस्ती। हाँ कौन सा गांव है? जिंदापुरा। हाँ आपको क्या परेशानी है? परेशानी बीमारी है रही है गांव में। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ प्रॉब्लम आ रही है आदमी ने लेकर। हाँ दिक्कत है। और प्रशासन में दो तीन बार कर दी है शिकायत। शिकायत कर दी है? हाँ। फिर भी आपकी कोई भी शिकायत नहीं की जा रही? ना सुनवाई करी जा रही। ठीक। और बीमारी? बीमारी बहुत ज्यादा, हम बीमार है। ठीक है। रन फॉर यूनिटी के साथ अभिनेता मिलिंद सोमन पहुंचे धौलपुर। धौलपुर की प्रमुख खबर। फिल्म अभिनेता एवं मॉडल मिलिंद सोमन रन फॉर यूनिटी के तहत दौड़ते हुए धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह उनका 20वां प्रयास है। अब तक 20 मैराथन दौड़ चुके हैं और प्रतिवर्ष होने वाली मैराथन में भागीदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत देश में डायबिटीज के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी स्वास्थ्य को लेकर लोगों को ध्यान आकर्षित किया था। इसी श्रृंखला में मेरा प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर सकूं। उन्होंने फिल्मी करियर के बारे में बताया कि आने वाले दिनों में उनकी 2 नई मूवी आने वाली हैं, साथ ही वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। मिलिंद सोमन ने कहा कि राजस्थान उनका सबसे पसंदीदा राज्य रहा है और यहाँ की संस्कृति अपने आप में अनोखी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति मेरे मन को खूब भाती है। धौलपुर पहुँचते ही युवाओं का जोश उमड़ पड़ा और सेल्फी खिंचवाने वालों की होड़ लग गई, जिस पर मिलिंद सोमन ने स्वयं उनके साथ सेल्फी ली। यूनियन बैंक द्वारा 2 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं को मिलिंद सोमन के हाथ से सम्मानित कराया गया। इस अवसर पर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय मंडल प्रबंधक मयंक भारद्वाज, धौलपुर शाखा प्रभारी राकेश मीणा, अभिषेक परमार, प्रदीप मैनावत, धर्मवीर डागर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। धौलपुर से एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। दौड़ के आए हैं हाईवे पे, हमारे देखो चप्पल में झांसी से यहां तक, तो इतना भी कुछ मुश्किल नहीं, हर किसी को हर कोई कर सकता है। तो यही मैसेज है, एकदम सिंपल मैसेज है। सर अब तक आपकी कितनी रनिंग हो चुकी है? सर अभी यहाँ हम तीसरा दिन है, तो मेरे ख्याल से 160 किलोमीटर हुए से यहाँ तक। टोटल सर अब तक कितनी हो चुकी है जिंदगी में? हाँ सर लाइफ में कितनी अब तक कर चुकी? तो नहीं गिनता।
फिर भी सर एक 20-25 हजार किलोमीटर क्या मालूम। अभी 20 साल हुए मुझे, मैं रनिंग करता हूँ, मैराथन दौड़ता हूँ, मैराथन का मतलब है 42 किलोमीटर। तो 20 साल हुए, 2003 में मैंने शुरू किया, तो 20 साल हो गए। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे वजन कम करना है या कुछ ओलंपिक्स में जाना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे आनंद मिलता है, इसलिए मैं दौड़ता हूँ। और जितना समय मुझे मिलता है, अभी एक हफ्ता मैंने निकाला है इसी चीज़ के लिए, लेकिन हर रोज़ में इतना नहीं दौड़ता, हर रोज में दौड़ता हूँ शायद 2-3-4 किलोमीटर जितना भी समय मिलता है। आपके साथ कौन कौन है सर? दीदी विश्व फोटोग्राफी दिवस पर लाइव फोटोग्राफी प्रतियोगिता का होगा आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को रोटरी क्लब धौलपुर द्वारा लाइव फोटोग्राफी को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को क्लब की ओर से मौके पर ही सम्मानित किया जाएगा। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने बताया कि विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर जिले के फोटोग्राफरों एवं फोटो प्रेमियों के लिए क्लब द्वारा लाइव फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागियों को मौके पर ही फोटो अपने कैमरे में कैद करके जमा कराने होंगे और विजेता प्रतिभागियों को क्लब द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को विषय तीर्थराज मचकुंड दिया गया है तथा समय अधिकतम 30 मिनट रहेगा। सभी प्रतिभागी अपना एक फोटो जमा करा सकते हैं, जिसका प्रिंट निकलवा कर निर्णायकों के माध्यम से विजेता की घोषणा की जाएगी। फोटो प्रिंट निकालने की व्यवस्था क्लब के माध्यम से की जाएगी। 1857 की क्रांति की महानायिका अवंतीबाई लोधी की जयंती पर किया पौधारोपण। धौलपुर की प्रमुख खबर, लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य धौलपुर द्वारा महारानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा बाईपास रोड धौलपुर में साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति 1857 स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका मंडला रामगढ़ की वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी की 16 अगस्त को 191वीं जयंती जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा की अध्यक्षता में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। संरक्षक संतोष कुमार शारीरिक शिक्षक ने सभी का स्वागत करते हुए महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर अपने जीवन में एक पौधा लगाने के लिए सभी को प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने कहा कि हम सबको एवं सभी समाज को महारानी अवंतीबाई लोधी से देश प्रेम की प्रेरणा लेनी चाहिए। जयंती को यादगार बनाए रखने के लिए लक्ष्य की कार्यकारिणी द्वारा एकत्रित होकर पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही जगमोहन सिंह व्याख्याता ने महारानी अवंतीबाई लोधी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन श्रीराम व्याख्याता और गजेंद्र सिंह व्याख्याता ने किया। इस अवसर पर संरक्षक संतोष कुमार, शारीरिक शिक्षक गिरेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष सुरेश चंद, ब्लॉक अध्यक्ष माधव सिंह, अध्यापक बसंत कुमार, रामदत्त लोधी, अवनीश कुमार, श्रीकांत एवं अन्य कई पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के दिल्ली समारोह में भाग लेने के बाद धौलपुर पहुंचने पर युवाओं ने किया स्वागत। धौलपुर की प्रमुख खबर, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली आजादी महोत्सव को धौलपुर जिले की राजकीय पीजी कॉलेज के एनसीसी कैडेट ब्रजराज गुर्जर का दिल्ली में होने वाली परेड के लिए चयन हुआ था। ब्रजराज गुर्जर ने दिल्ली में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में परेड मैदान में देश की महान हस्तियों के सामने अपना जोश दिखाया। यह धौलपुर जिले के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि राजस्थान से सिर्फ 44 कैडेट का चयन हुआ था, जिसमें से एक धौलपुर का ब्रजराज गुर्जर है। स्वतंत्रता दिवस की राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के बाद दिल्ली से ब्रजराज गुर्जर आज धौलपुर पहुंचे, जहां उनका सर्व समाज के युवाओं ने माला और साफा बांधकर स्वागत किया। कॉलेज के प्राचार्य एस के जैन और एनसीसी प्रभारी जयराम ने कैडेट को बधाई दी। सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हर्ष जताते हुए ब्रजराज गुर्जर को बधाई संदेश भेजे। धौलपुर से जयसिंह गुर्जर की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं पंकज मेघाजी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा धौलपुर। आज भाई ब्रजराज जो की एनसीसी कमांडर है, जिन्होंने दिल्ली परेड 15 अगस्त में भाग लिया और जिले का नाम रोशन किया है, आज हमने सभी युवा साथियों ने मिलकर उनका स्वागत किया है। साथ ही भरतपुर अंडर एनसीसी कमांडो होने पर उनको हमने बधाई दी। धन्यवाद। पहलगांव में शहीद जवानों को एबीवीपी ने दी श्रद्धांजलि। धौलपुर की प्रमुख खबर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज प्रांगण में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं कॉलेज छात्रों के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जवानों की बस खाई में गिरने से सेना के 7 जवान
शहीदों को 2 मिनट का मौन रखा एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नगर महाविद्यालय संयोजक राहुल गुर्जर और दीपेंद्र माहौर ने बताया कि आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही बस अनंतनाग में स्थित चंदनवाड़ी के पास गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में आईटीबीपी के 7 जवान शहीद हो गए जबकि 6 सुरक्षा कर्मियों की हालत गंभीर है। आईटीबीपी के जवानों को अमरनाथ यात्रा में तैनात किया गया था। इस मौके पर भरत जाट और मनीष गुर्जर ने बताया कि भारत के वीर जवान भारत माता की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय प्रमुख अभिनव सिंह, जिला समिति सदस्य धीरेंद्र कुशवा, नगर सहमंत्री भरत जाट, सौरभ, मनीष गुर्जर, सूरज कंसाना, अमरीश बघेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक शाम सावरे के नाम 19 अगस्त को होगी भजन संध्या। धौलपुर की प्रमुख खबर, आमंत्रित कलाकार श्री बांकी बिहारी म्यूजिकल ग्रुप की ओर से श्री वृंदावन धाम पुरानी छावनी में धूम मचाने अपने मीठे भजनों से श्याम को रिझाने पधार रहे हैं। भव्य बाबा का दरबार आलौकिक श्रृंगार इत्र बरसा फूल बरसा कर कन्हैया को पालकी में झुलाया जाएगा। 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण लीला के जन्म उत्सव की महाआरती व प्रसादी वितरित की जाएगी। आप सभी भक्त जन प्राचीन श्री राम मंदिर पुरानी छावनी में पधार कर धार्मिक कार्यक्रम का आनंद उठाओ। पूर्व विधायक सुखराम कोली ने विधायक बैरवा की कार्यशैली पर उठाया प्रश्न चिन्ह। बसेड़ी की प्रमुख खबर, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने सवाल किया है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने जालौर में हुई एक छात्र की निर्ममता से पीट पीट कर हुई हत्या के विरुद्ध क्या कार्रवाई की एक अध्यक्ष के रूप में, या सिर्फ गहलोत पर खीज और गुस्सा करके घड़ियाली आंसू बहाकर इतिश्री कर दी। जनता को जवाब दें। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इसके साथ साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिन पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा मन भी व्यथित है। प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, उन सभी को देख करके मन व्यथित होता है। अभी ज्वलंत एक मुद्दा हम सभी के सामने आया है, जालौर में एक बच्चे की पीट पीट करके निर्मम हत्या। ये हत्या बहुत ही निंदनीय है और समाज का प्रत्येक वह सुधी व्यक्ति ऐसे किसी भी हत्याकांड का, इस तरह की घटना की निंदा ही करेगा। मैं भी उसको जघन्य घटना की निंदा करता हूँ, पर इसके साथ साथ मैंने अभी अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन का एक बयान देखा था, पढ़ा था, और वो उस वीडियो में ऐसे निरीह व्यक्ति की तरह गुहार लगा रहे हैं जैसे मानो वो सरकार के अंग ही नहीं हों। हमारे अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, बसेड़ी विधानसभा से भी वो प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब एक जालौर की घटना ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में जिस तरह से SC ST OBC महिला बालिकाओं पर ये जो अत्याचार बढ़े हैं। श्रद्धांजलि सभा में रामभद्र सिंह को किए श्रद्धा सुमन अर्पित, आंगई की प्रमुख खबर। आज राजपूत सभा मंडल आंगई के द्वारा जोरागढ़ी गांव में शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें स्वर्गीय ठाकुर रामभद्र सिंह परमार को सभी समाज के लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण किया गया। सर्व समाज की तरफ से परिवार को इस भीषण दुख में साथ देने और परम पिता परमात्मा से विनती के कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ठाकुर नरोत्तम सिंह परमार द्वारा उनके जीवन में किए गए कार्यों को लोगों के सामने रखा जिसमें जरगढ़ी गांव के अलावा मोरीपुरा, राजपुरा, पिपरेट, आंगई, चिलाचौंद, जिंदापुरा, रानपुरा के राजपूत एवं सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया।
रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त, यात्री बालवाल बचे। धौलपुर की प्रमुख खबर। रोडवेज परिवहन निगम धौलपुर में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल हो रहा है। बसों के ड्राइवर एवं कंडक्टरों द्वारा खराब बसों की लगातार शिकायत किए जाने के बावजूद यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ करते हुए उन बसों को ही मार्ग पर चलाया जा रहा है। धौलपुर बाड़ी कैला देवी मार्ग पर खराब वाहन को भेजा गया जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे आज कोई जनहानि नहीं होने के कारण बड़ी दुर्घटना होने से बची है।